अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। टोरंटो में फायरिंग का वाकया, एक शख्स हलाक, एक ही हालत तशवीशनाक। फायरिंग का वाकया टोरंटो मुस्लिम कब्रिस्तान के बाहर पेश आया। फायरिंग का निशाना बनने वाले दोनों अफराद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे। टोरंटो में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 10,000 से ज़ायद सार्फीन की बिजली बहाल कर दी गई। क्रेन के हाई वोल्टेज लाइन से टकराने के सबब हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए थे। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इतवार के रोज़ से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा। गर्म और खुश्क मौसम कई यूरोपीय ममालिक के जंगलात में आग की वजह बनने लगा। फ्रांस में जंगलात में खौफनाक आतिशजदगी, हज़ारों अफराद की नकल मकानी शुरू। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट के करीब जंग खतरनाक है। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि दोनों ममालिक को किसी भी मामले को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। लिटवाया की पार्लियामेंट ने रूस को दहशतगर्दी के सरपरस्त रियासत करार दे दिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने मुलाहिदा की और अब खबरें तफसील के साथ। टोरंटो में रिचमंड हिल के कब्रिस्तान में फायरिंग के बाद एक शख्स हलाक और दूसरे की हालत तश्वीशनाक है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। रिचमंड हिल के कब्रिस्तान में फायरिंग के बाद एक शख्स हलाक और दूसरे की हालत तश्वीशनाक है, जहां वो जुमेरात को उस शख्स के जनाजे में शिरकत कर रहे थे जिसे इस हफ्ते के शुरू में टोरंटो में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। दोनों अफराद पर जनाजे में शिरकत के बाद फायरिंग की गई। फायरिंग का वाकया रिचमंड हिल में टोरंटो मुस्लिम कब्रिस्तान के गेट पर तकरीबन 3:15 पर नमाज जनाजा ख़त्म होने के बाद पेश आया। यॉर्क रीजनल पुलिस के मुताबिक 3 से 4 मर्द मुश्तबा अफराद मुतासरीन के पास पहुँचे और एक पुरानी SUV तर्स की गाड़ी में सवार होने से पहले फायरिंग की। दोनों को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है ये एक अलग थलग टारगेटेड वाकया है। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी तहफ़ के लिए कोई तश्वीश नहीं है। कब्रिस्तान इंतजामिया का कहना है कि टोरंटो मुस्लिम कब्रिस्तान के गेट पर लीजली स्ट्रीट पर होने वाली फायरिंग के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। कब्रिस्तान का अमला हिफाजती खदशात से गाफिल नहीं है। टोरंटो मुस्लिम कब्रिस्तान में शिरकत करने वाले तमाम लोगों की खैरियत हम सब के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। कैनेडा के शहर टोरंटो का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया, ताहम चंद घंटों बाद ही बिजली बहाल कर दी गई। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया, ताहम चंद घंटों बाद ही बिजली बहाल कर दी गई। जुमेरात की सपहर और शाम को हाइड्रो वन की बंदिश से हज़ारों सार्फीन की बिजली की फराहमी मअतल होने के बाद टोरंटो के मरकज़ में लाइट
वापस आ गई हैं। टोरंटो हाइड्रो के मुताबिक तमाम मुतासरा सार्फीन, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उनकी तादाद 10,000 हैं, उनकी बिजली बहाल कर दी गई है। हाइड्रो वन की तर्जमान का कहना है कि यूटिलिटी इन रिपोर्ट्स की तहकीकात कर रही है कि ये बंदिश इस दौरान हुई जब एक बार्ज के जरिए खड़ी क्रेन को मुंतकिल किया जा रहा था, जो टोरंटो के वाटर फ्रंट पर बड़े सनअती इलाके पोर्टलैंड्स में हाई वोल्टेज लाइन टकराई थी। टोरंटो फायर सर्विसेज का कहना है कि बंदिश के नतीजे में इसे पूरे शहर में कम से कम एक दर्जन लिफ्ट रेस्क्यू कॉल्स मौसूल हुई। इलाके के कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की बिजली भी मौतल हो गई, जिससे उनके तुलबा और अमले को कैंप से दूर भेज दिया गया। TTC का कहना है कि हो सकता है कि सार्फीन को शहर के मरकज में तमाम स्ट्रीट कार रूट्स पर तवील इंतजार का सामना करना पड़ा हो। प्रेस्टो ने कहा कि मेट्रो लिंक्स, एक्सप्रेस सर्विसेज, UP ट्रांसिट या गो पर कोई असरअंदाज नहीं पड़ा और यूनियन स्टेशन ने पूरी ताकत बरकरार रखी। इतवार के रोज़ टोरंटो में बादल बरसेंगे, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 26 और रात के औकात में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हफ्ते के रोज़ शहर में धूप निकली रहेगी और दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जो रात के औकात में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इतवार के रोज़ शहर में बादल बरसेंगे, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 26 और रात के औकात में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। टोरंटो शहर में इतवार के रोज़ से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते जारी रहेगा। गर्म और खुश्क मौसम की वजह से यूरोप के कई ममालिक के जंगलात में आग भड़क उठी। फ्रांस के जंगलात में लगने वाली आग ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गर्म और खुश्क मौसम की वजह से यूरोप के कई ममालिक के जंगलात में आग भड़क उठी। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस फ्रांस के जंगलात में लगने वाली आग ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। फ्रांस के जंगलों में लगने वाली आग ने 10,000 हेक्टर रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। पुर्तगाल में 40 स्क्वायर मील रकबे पर फैली आग पर 1500 से ज्यादा फायर फाइटर्स 6 रोज से काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। खौफनाक आतिशजदगी के बाइस बड़े पैमाने पर नकल मकानी भी शुरू हो गई है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक मुतासरा इलाके से 10,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। रवां बरस जंगल में लगने वाली आग के बाइस पुर्तगाल और स्पेन में 1,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। दूसरी जानेब बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सख्त गर्मी पड़ रही है। शदीद तरीन गर्म मौसम के बाइस ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आतिशजदगी के वाकयात तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। IEA के सरबराह ने फरीकीन से जौहरी प्लांट के करीब जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि IEA को ज़ापोरिज़्या में मिशन चलाने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया है कि रूस और यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट से फौज और असलहा दूर रखें। अक़्वामे मुत्तहिदा के जौहरी तवानाई के निगरान इदारे के सरबराह ने बयान में कहा कि जनूब मशरकी यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या जौहरी प्लांट के करीब जंग की संगीन सूरत हाल है। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या जौहरी पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाने को नाकाबिले कबूल अमल करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि कीव और मास्को को किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए आपस में बातचीत करनी चाहिए। IAEA के सरबराह ने फरीकैन से जौहरी प्लांट के करीब जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा कि IAEA को ज़ापोरिज़्या में मिशन चलाने की इजाज़त दी जाए। रूस और यूक्रेन की अफवाज ने जौहरी प्लांट के करीब जंग के दौरान एक दूसरे पर गोलाबारी की है। फरीकैन का कहना है कि प्लांट में ताबकार मवाद के जखीरा करने वाले इलाके के करीब 5 रॉकेट हमले हुए। वाज़ेह रहे कि रूस के ज़ेरे कब्ज़ा यूक्रेनी शहर एनागोदर में वाकया पावर प्लांट गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कई बार हमलों का निशाना बन चुका है। दूसरी जानिब लिटोया की पार्लियामेंट ने अपने बयान में न सिर्फ रूस को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार दिया, बल्कि ये भी कहा कि यूक्रेन में इसकी जौहरियत वहाँ के आवाम की नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। TAG TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TAG TV। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.